गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट पंक्चुएशन. स्टूडेंट्स लुक एट दीज मार्क्स. इन मार्क्स को देखिए, ये एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन मार्क है और एक ये कोमा है. तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स. दीज आर सम ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स. दीज मार्क्स आर यूज इन सेंटेंसेज. इन सभी मार्क्स का यूज़ किस में किया जाता है? सेंटेंसेज में. ए सेंटेंस ऑलवेज बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इट. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होता है. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जतिन. मैं जतिन हूँ. आई कैपिटल है इधर और फुल स्टॉप से ये ख़त्म हो रहा है सेंटेंस. आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड. कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और फुल स्टॉप से ख़त्म. आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड. मैं 6 साल का हूँ. नेक्स्ट, व्हेन वी आस्क समथिंग. जब हम कुछ पूछते हैं किसी से, कोई क्वेश्चन करते हैं, वी यूज़ क्वेश्चन मार्क. तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. इस वाले मार्क को हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तब हम सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू. आप कैसे हो. तो क्वेश्चन पूछा हमने किसी से कि आप कैसे हो, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए. डू यू हैव माई पेंसिल. क्या आपके पास मेरी पेंसिल है. तो ये भी एक क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए, सेंटेंस के एंड में. नेक्स्ट, व्हेन वी वांट टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट. जब हम किसी लिस्ट में आइटम्स को, अलग अलग आइटम्स को लिखते हैं, वी यूज़ कॉमा इन द सेंटेंस. तो तब हम सेंटेंस में कॉमा का यूज़ करते हैं. कॉमा का निशान कैसा होता है? ये, इसको हम बोलते हैं कोमा. फॉर एग्जाम्पल, आई एट टोमेटो रेडिश एंड कैरेट. मैंने क्या क्या खाया था? टोमेटो रेडिश एंड कैरेट. रीमा सीमा एंड मीना केम हियर. यहाँ पर कौन आया? रीमा भी आई, सीमा भी आई और मीना भी आई. तो अब ये सेंटेंस एक के बारे में नहीं रहा, अब ये सेंटेंस तीन लड़कियों के बारे में है. कौन कौन है वो? रीमा सीमा एंड मीना. तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? कोमा का यूज़ करेंगे. और हमेशा जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप से ख़त्म होगा या फिर क्वेश्चन मार्क से. एक्सरसाइज पढ़ते हैं. पुट द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो. पंक्चुएशन मार्क पुट करने हैं हमें जो ये सेंटेंस नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट है, विनी विल नाउ सिंग द नेशनल एंथम. विनी अब नेशनल एंथम गाएगी. तो इसमें ना तो कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहा है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? फुल स्टॉप का. हु डेकोरेटेड द स्टेज. स्टेज किसने डेकोरेट की? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क का. गेट मी चौक डस्टर एंड बुक. मुझे क्या क्या लेके आओ? चौक डस्टर और बुक. तीन चीज़ें मंगाई गई हैं यहाँ पे, चौक भी, डस्टर भी और बुक भी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोमा का यूज़ करेंगे और लास्ट में सेंटेंस को एंड करने के लिए फुल स्टॉप का. हाउ विल शी सिंग. वह कैसा गाती है? तो इसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? क्वेश्चन मार्क का. शी वेंट विद टीनू मीनू एंड नीनू. वह किसके साथ गई थी? टीनू के साथ भी, मीनू के साथ भी और नीनू के साथ भी. तो सेंटेंस तो हमेशा ख़त्म होगा क्वेश्चन फुल स्टॉप से और बीच में आएगा कोमा. एवरीवन विल सिट क्वाइटली. सभी को चुपचाप बैठना है. सभी चुपचाप बैठेंगे. तो ये सेंटेंस किससे ख़त्म हुआ? फुल स्टॉप से, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया. यहाँ पे कमांड दी गई है कि एवरीवन विल सिट क्वाइटली, सभी चुपचाप बैठेंगे. कैन यू टाई योर लॉन्ग हेयर. क्या तुम अपने लंबे बाल बांध सकते हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे सेंटेंस के एंड में? क्वेश्चन मार्क का. नेक्स्ट है, द फ्लैग इज़ रेड एंड ब्लैक.
यहाँ पे फ्लैग के बारे में बताया गया है कि फ्लैग रेड भी है और ब्लैक भी, तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप का यूज होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज